स्वेयर सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। भैया आप सबको लेके घर जाओ, कोई ख्याल रखना। चलिए भैया, संभाल के जाना और कीप मी पोस्टेड। ओके I'm sure, शिवाय तुम्हारे ये बर्थडे तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अनिका, अनिका, अनिका भाभी, अनिका, देखते हैं, भाभी। कहाँ गए? ये वेन्यू की बैक साइड है। ये हमें कहाँ की इयररिंग? इसका मतलब उसे इसी टनल के रास्ते से ले जाया गया। भैया, हे, ही इज नो मोर। शायद हो सकता है इसने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी। और भैया, अगर वो किसी की जान ले सकते हैं तो काफी डेंजरस लोग हैं। ये देख भैया, ये शायद उसी गाड़ी के टायर मार्क्स हैं जिसमें भाभी को लेकर गए हैं। और ये मार्क्स देखकर लग रहा है कि टायर्स बिल्कुल न्यू थे। ये टायर्स के बेसिस पता चल सकता है कि गाड़ी कौन सी थी? मुश्किल है। ये पता चल सकता है किस किस्म की गाड़ी थी? भैया, ये कार तो नहीं लग रही है। हो सकता है कि कोई हैवी व्हीकल हो, वैन वगैरह। भैया, एक काम करो, एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। अगर यहाँ पर इस एरिया में कोई भी वैन दिखे, स्पेशली इस एरिया में, तो प्लीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। जी, तो फोन दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। आने का घबराने की कोई जरूरत नहीं है। She is fine. बस इन्हें जितना हो सके आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शिवाय भैया रुद्र और भव्या भाभी अनिका भाभी को ढूंढने गए हैं। अगर जब भी लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। शिवाय, जन्मदिन है पुत्र उसका, आज के दिन ये सब कुछ कैसे हो गया? आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवाय भाभी को ढूंढ लेगा, आप लोग आराम कीजिए। आराम कैसे कर ले पुत्र? जब तक अनिका नहीं मिलेगी ना, चैन नहीं पड़ेगा पुत्र। हाँ शिवाय। ओम, गौरी कैसी है? ठीक है ना? हाँ गौरी ठीक है। भाभी का कुछ पता चला? मैं उसे बात कर सकता हूँ क्या प्लीज? हाँ एक मिनट, गौरी। चीजा। गौरी तुम ठीक हो ना? अच्छा सुनो, मुझे बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई थी, तुम्हें याद है? हाँ, वो
हम कबर्ड में छुपे हुए थे और अचानक से बदबू आने लगी थी अजीब सी, और अगले पल मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। अभी डॉक्टर कह रहे थे कि किसी एनेस्थेटिक गैस की वजह से मैं बेहोश हुई थी। एनेस्थेटिक गैस? ओके, तुम चिंता मत करो। ओके, मैं मायानी को ढूंढ के लाऊंगा, तुम आराम करो। ठीक हो, कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा गौरी, मैं हूं ना, मैं आने का को ढूंढ कर लाऊंगा। गौरी तुम क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मिल जाएंगे, तुम आराम करो, प्लीज प्लीज आराम करो, रो मत, कम ऑन। भैया भैया भैया, सीसीटीवी फुटेज आ गई है। पास में जो चौराहा है ये उसी के कैमरे की फुटेज है, देखिए। एम्बुलेंस कहीं आने का को एम्बुलेंस में तो, पर एम्बुलेंस का यूज क्यों? डॉक्टर ने कहा था गौरी बेहोश हुई थी एनेस्थेटिक गैस की वजह से। एनेस्थेटिक गैस, एम्बुलेंस, हो सकता है कि आने का को एम्बुलेंस ने किडनैप किया। एक काम करो प्लीज, घर पे सबको फोन करो, सबको बोलो अपने फोन के पास रहे, हो सकता है रैंसम के लिए कभी भी कॉल आ सके। कॉल का थोड़ी वेट करेंगे, एम्बुलेंस के बारे में डिटेल्स पता करनी होगी। सिटी हॉस्पिटल। हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है जो दो दिन पहले चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? यस सर, जब से ये गाड़ी गायब हुई है इसका ड्राइवर भी लापता है। हमने पुलिस कंप्लेन की है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे डिटेल्स चाहिए ड्राइवर के बारे में अभी के अभी। Just do whatever it takes, okay? Please, मुझे details दो। Okay, just a minute. Okay. भाविया, ये phone लो, hold पे रखा उसने। Driver की सारी details रखो, उसे trace करो। Hello? हाँ, बोलिए। कहाँ हो तुम अनिका? पृथ्वी, हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। पृथ्वी, खुशियां आती तो है पर ठहरती नहीं, हर मुस्कान अपने साथ आंसू लाती, और सारे गम सारे दुख मेरे बिल्लू को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्लू इतना सता जब उसके माँ बाप गुजर गए, माँ बाप खो जाते हैं तो बचपन अपने आप खो जाता, मेरे बिल्लू का बचपन भी खो गया। खुशी तो जैसे उससे पता नहीं कितनी दूर चली गई। परसों बाद उसकी जिंदगी में अनिका आई, उसने मुस्कुराना सीख जीना सीखा। पृथ्वी, अगर अनिका उसकी जिंदगी से चली गई, उसके बिना मेरा बिल्लू कैसे जिएगा? अनिका को कुछ हो गया, बिल्लू उस परिवार की नींव टूट गई तो परिवार टूट जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है मुझे।
मेरी बीवी कहाँ है? किसकी बात कर रहे साहब आप? बकवास मत कर, मेरी बीवी कहाँ है पता? सर ना आपको जानता हूँ ना आपकी वाइफ को जानता हूँ साहब। मुझे पता है तूने सिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में मेरी बीवी को किडनैप किया पता कहाँ है? नहीं साहब, वो एम्बुलेंस तो मैंने दो दिन पहले भेज दी साहब। पुलिस के हवाले करूँ मैं? नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना साहब। ये देखिए ये पैसे, ये 2 लाख रुपए देख के लालच आ गया साहब, लेकिन भगवान कसम साहब मैंने आपकी वाइफ को नहीं किडनैप किया साहब। पैसे किसने दिए तुझे? साहब वो मैं नहीं जानता उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया था साहब। मैं क्या करूं, कैसे ढूंढू आने का को? और उन लोगों की क्या दुश्मनी आने का के साथ? दोनों ये ओपीटी बैंक का सील लगा है, इसका मतलब ये पैसे ओपीटी बैंक से निकले। भवे सीरियल नंबर नोट डाउन करो और इस बैंक में जाके पता करो कि ये पैसे किसको दे गए। मैं जाके पता लगाता हूँ कि ये एम्बुलेंस कहाँ है। बैंक चलते हैं। नानी चलो खाना खा लो। नहीं पुत्र, मैं कल्याणी के साथ ही खा लूंगी। पर दादी है कहाँ? अपने कमरे में। तो चलो उनके कमरे में चलते हैं, खाना खा लें। ना पुत्र, अपनी दादी को अभी थोड़ी देर अकेले रहने थे। मैं जानती हूँ कल्याणी को, अपने आंसू छुपाती है वो। उसे लगता है सबके सामने रोएगी ना तो सब टूट जाएगा। उसे थोड़ी देर अकेले रहने दे, अपने कमरे में जी भर के रो लेने दे। जी हल्का हो जाएगा ना तो खुद ही बाहर आ जाएगी। मन तो नहीं मान रहा है नानी, पर आप कह रही हैं तो रुक जाती हूँ। सॉरी दी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना टाइम हो गया और अब तक अनिका दी के बारे में कोई खबर नहीं। साहिल, हम सब बहुत परेशान हैं दी को लेकर, मैं जानती हूँ, पर अपना आपा खोने से कुछ नहीं मिलेगा। तू फिकर मत कर, चीजू है ना, चीजू ले आएंगे दी को, खाक ले आएंगे। मुझे चीजू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। फैमिली मेरे लिए ये है वो है, फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या बोल रहा है साहिल? सच बोल रहा हूँ दी। अब जानती है, जब से शिवाय जी जो अनिका दी की लाइफ में आए, दी ने सिर्फ प्रॉब्लम्स फेस की है। ना वो अनिका दी का ख्याल रखते हैं, नहीं रख सकते, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेते। साहिल क्या बक्के रहा है तू? मैं जानती हूँ तू दी को लेके परेशान है, लेकिन बड़े छोटे का लिहाज भूल जाएगा तू? हाँ जो तूने बोल दिया ना बोल दिया, दोबारा जीजू के बारे में कुछ बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो भैया, शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चला है कि वो एम्बुलेंस करीब 9 बजे नवी मुंबई के स्टेडियम के पास से निकली है। नवी मुंबई की? एक सेकंड, 9:10 हुए और मैं स्टेडियम के पास हूँ, इसका मतलब एम्बुलेंस ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करो, कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। ओके जी भैया।
रुद्र कुछ पता चला? जिस आदमी ने पैसे निकलवाए थे उसने हुडी पहनी थी, तो चेहरा कहीं पे भी नजर नहीं आया। कि मुझे इस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी चाहिए। सॉरी सर, कस्टमर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। एक मिनट, ये देखिए, ये कमिश्नर सर का मेल है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हम मांग सकते हैं। ओके, ये अकाउंट मिस्टर रंजित प्रधान के नाम पे है और इन्होंने अपने अकाउंट से कल ही 10 लाख रुपया विड्रॉ किए। 10 लाख? पर एम्बुलेंस ड्राइवर को तो इसने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख क्यों निकला? हमें रंजीत प्रधान का एड्रेस चाहिए। ओके। कल्याणी, दरवाजा खोल। कल्याणी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अंदर ही जाके देखती हूँ। दरवाजा लॉक है अंदर से। रब्बा, कल्याणी दरवाजा खोल। कल्याणी, नानी क्या? क्या हुआ? कल्याणी दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से लॉक करके रखा हुआ है। नानी, कल्याणी, एक मिनट, मैं खन्ना भैया जल्दी आइए। क्या हुआ? अब देखिए ना, दादी अंदर है, दरवाजा अंदर से बंद है, वो खोल नहीं रही है। देख पुत्र। दादी, दरवाजा खुल नहीं रहा है। एक मास्टर की है जो शिवाय भैया के पास होती है, वो उनके अलमारी में होगी, मैं लेके आती हूँ। जल्दी ला पुत्र, जल्दी ला। दादी, दरवाजा खोल। देख देख जल्दी। कल्याणी आंखें खोल। कल्याणी, खन्ने पानी लेके आ। कल्याणी आंखें खोल। कल्याणी देख, कल्याणी आंखें खोल। कल्याणी आंखें खोल। पानी का छिट्टे मार, पानी का छिट्टे मार। दादी की तो पल्स स्लो चल रही है। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं बोलते ना। कल्याणी, तू मेरे से धोखा नहीं कर सकती ना। तू मेरे से धोखा नहीं कर सकती कल्याणी। तू मेरी संतति, तू मेरी सहेली भी है कल्याणी। देख कल्याणी, कल्याणी आके खोल। कल्याणी, आंखें तुझे खोलनी पड़ी है। कल्याणी, खोल आंखें। दादी, आंखें खोल। दादी, प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।